अपने जीवन के हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाए। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में गुरु कृपा संतरा मंडी के पास पांडुरना। शहर के मारबत नाले के ऊपर रानी दुर्गावती वार्ड में वार्डवासियों की सुविधा के लिए बिजली विभाग ने 1.5 साल पहले 3 खंभे लगाए थे, जिस पर महंगा केबल भी डाला गया, परंतु इन तीनों खंभों पर लगे केबल को आज तक लाइन से नहीं जोड़ा जा सका है। 1.5 साल से वार्डवासियों को केबल में बिजली दौड़ने का इंतजार है। दरअसल यहाँ लगाए गए पुराने सीमेंट के खंभों पर 25-25 मकानों के कनेक्शन वाले सर्विस लाइन झूल रही है। वार्ड में रहने वाले मनोहर तातेकर, मंगल सिंह कुशवाहा, विठल घाघरे, केशव राव, रमेश भादे, उमाकांत जसुतकर, शिवशंकर डोंगरी, लीलाराम ठौरे ने हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन 21 सितंबर को कनिष्ठ अभियंता मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को सौंपा था। इसके बाद भी अब तक लाइन जोड़ने कार्रवाई नहीं की गई है। मोहल्ले के अंदर में ये वायर दिखिए आप, कैसे लटके हुए है ये। हाँ। वहाँ से देखो हमारा वायर पूरा लटका हुआ है। हाँ। हाँ, इसे बार बार लाइन भी चली जाती है, वो दिक्कत हो जाती है। अच्छा। हाँ, और ये कनेक्शन यहाँ पे लगे नहीं है अभी इतने साल, 1 साल से हो गए, 2 साल 1.5 साल हो रहा है ये खंभे लगने के लिए। हाँ, अभी तक इनका कनेक्शन नहीं लगा हुआ है। समस्या बताई थी आपने विभाग। हाँ, समस्या हमारी बार बार लाइट जाती है ना। अच्छा। हाँ, सभी मोहल्ले त्रस्त है। और वायरिंग देखो आप कैसे लटकी हुई है जी। कभी कोई गाड़ी घोड़ा कर चले जाए, लटक जाए, तो किसी की जिम्मेदारी कौन लेगा। आप लोग गए थे तो क्या कहना था विभाग का? अब वो बोल दो, एप्लीकेशन तो दिया है सब हमने बिजली ऑफिस में। हाँ, 2-4 लोग गए थे हम बिजली ऑफिस में, दिया है उनको, तो कोई ध्यान नहीं दे रहे बरोबर। वार्डवासियों ने बताया कि लाइन नहीं जोड़ने से कभी भी घरों की बिजली बंद हो जाती है। बारिश में स्पार्किंग और अचानक बिजली गोल होने की समस्या से सभी लोग परेशान हैं। इसलिए उन्होंने शीघ्र लाइन शुरू करने की मांग की थी, परंतु लाइन नहीं जोड़े जाने के अभाव में यह खंभे शोभा की सुपारी साबित हो रहे हैं। शासकीय आदिवासी बालक आश्रम शाला गायखुरी में शनिवार को लापरवाही की हदें पार हो गई। यहां छात्र दोपहर तक शिक्षक और शिक्षिकाओं का इंतजार करते रहे, परंतु एक भी जिम्मेदार शिक्षक और शिक्षिका आश्रम शाला नहीं पहुंचे। पालकों ने इस लापरवाही पर अपना रोष व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ग्राम पंचायत ने पंचनामा बनाकर शिक्षा विभाग को भेजा है। ग्राम पंचायत लेंदागुंदी के सरपंच चंद्रकिशोर कवड़ेती ने बताया कि आश्रम शाला में 4 शिक्षक पदस्थ है। शुक्रवार दोपहर तक कोई भी शिक्षक या शिक्षिका आश्रम शाला नहीं पहुंचे थे, जिससे ताला लटका रहा। बच्चे बहुत देर तक इंतजार करते रहे। आश्रमशाला के प्रभारी अधीक्षक दिनेश क्षीरसागर ने बताया कि शुक्रवार को वे जिला अधीक्षक की बैठक में छिंदवाड़ा गए थे। वहीं एक शिक्षिका के यहां देहांत होने पर वे अचानक अवकाश पर चली गई। पहले से ही शिक्षिका मंजू कड़ू 5 दिनों से अवकाश पर थी, वहीं कांता घोड़े मेटरनिटी न्यू पर है। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक शिक्षिकाएं कई कई दिनों तक आश्रमशाला नहीं पहुंचते हैं। इनकी लापरवाही से बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है। जब बात सामने आती है तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करके अपनी गलतियों को छुपाने का किया जाता है। भारत केबल नेटवर्क, आपकी सुविधा हमारा समाधान। इंटरनेट कनेक्शन, केबल कनेक्शन या हो आपकी शिकायत, संपर्क करें